खदानें दो तरह की होती है, खुली खदान और भूमिगत खदान। कोयले की भूमिगत खदानों में से कोयला बोर्ड एंड पिलर मेथड और लॉन्ग वॉल मेथड से निकाला जाता है। भूमिगत खदानों में डेवलपमेंट, ड्रिल और ब्लास्टिंग के बाद लोडिंग, कट ड्रिल और ब्लास्टिंग के बाद लोडिंग या कट और लोड कंटिन्यूस माइनर की मदद से किया जाता है। आइए हम एक बोर्ड एंड पिलर माइंस का एग्जांपल देखते हैं। यह शटल कार है, ये कोयला ले जाने के लिए काम आती है। यह कंटिन्यूस माइनर है, ये इसके नाम की तरह कंटिन्यूसली माइंस के अंदर का कोयला काटता रहता है। यह रूफ बोल्टर है, ये रूफ में बोल्टिंग करने के काम आता है। यह फीडर ब्रेकर है। यह पावर सेंटर है। ये डीजल ऑपरेटेड लोड हॉल और डंप मशीन है। ये पिलर और विड्थ की डायमेंशंस है। ये सारी मशीनरी का डिस्क्रिप्शन है। ये फेस का कटिंग सीक्वेंस है। ये 3D मैप है। ये मेन डिप है जिसको यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है। उसके पास राइट वन राइट टू एंड लेफ्ट वन लेफ्ट टू। यहाँ पे कंटिन्यूस माइनर कोयले को काटते हुए आगे बढ़ता जाता है और काटा हुआ कोयला शटल कार के अंदर लोड किया हो जाता है। शटल कार की अरेंजमेंट इस तरह से की जाती है कि जब एक शटल कार लोड हो रही हो तब दूसरी उसको अनलोड करके वापस आ जाए। कंटिन्यूस माइनर गैलरी की पूरी विड्थ को दो हिस्सों में काटता है। जैसे ही कंटिन्यूस माइनर अपनी तय सीमा तक पहुंच जाता है वो वहां से उसके दूसरे फेस के लिए निकल जाता है। उसी दौरान अगले फेस में काम करने वाला रूफ बोल्टर जहाँ पे पहले कंटिन्यूस माइनर काम कर रहा था वहाँ पे वो रूफ बोल्टिंग करने लगेगा। शटल कार भी कंटिन्यूस माइनर की लोकेशन के हिसाब से अपना रूट बदलती रहेगी। यही क्रिया बाकी के फेसों पर भी दोहराई जाती है।